गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम सीधा निफ्टी की तरफ मूव करें। तो निफ्टी में हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर मार्केट का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, बट कैश मार्केट का डेटा यहाँ पे अपडेट हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आज भी FIIs की सेलिंग की फिगर दिखेगी, जो कि लगभग 2300 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश मार्केट के अंदर में सेलिंग की है। वहीं अगर हम DIIs की बात करें तो इन्होंने लगभग 2000 करोड़ लगभग इक्विवेलेंट अमाउंट में इन्होंने कैश मार्केट में बाई की है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो सेलिंग का जो फिगर है 11,700, 12,700, 16,000, 16,000, ये कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो पहले जो ये 16,000, 17,000 चल रहा था, 18,000, 14,000, 16,000, ये पिछले दो दिन से ये आपको थोड़ा घटता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे 12,700 की सेलिंग हुई है, यहाँ पे 11,700 की सेलिंग हुई है। तो देखते हैं ये कब तक बेचते हैं और कितना बेचते हैं। प्लस मैंने कुछ और भी डेटा यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि हम पास्ट में चल के देखें, 2021 का डेटा देखें, तो 2021 में आपको देखने को मिलेगा कि अक्टूबर के महीने में ही सेलिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ से अक्टूबर से लेके ये जो सेलिंग चली थी, ये लगभग लगभग आपका जुलाई तक चली थी। यहाँ पे जाके इन्होंने अपनी सेलिंग बंद की थी July 22 में, और फिर आपको यहाँ से बाइंग का फिगर देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे इन्होंने बाइंग का नंबर बनाना स्टार्ट किया। बट हाँ, इस 9 महीने के इंटरवल में इन्होंने लगभग 4,000 करोड़ के सॉरी 4 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे कैश के मार्केट में सेलिंग किया था। तो अगर जो मार्केट में र्यूमर है कि पैसा निकल रहा है, चाइना में शिफ्ट हो रहा है, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि चाइना कोई एक जैसा अभी का मार्केट का न्यूज़ है, उस टाइम पे वैसा न्यूज़ नहीं था। तो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जब भी मार्केट अपने जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रेंज में पहुँचेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है उस समय मार्केट में जो न्यूज़ फ्लो कर रहा होता है, तो हम उसे उसी चीज़ से लिंक अप कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई रेलिवेंस नहीं है कि हम यहाँ पे जैसा डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से पैसा निकल के चाइना के अंदर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग था, काफ़ी लोअर लेवल पे इन्होंने बाई किया था। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो मान लीजिए ये 18,000 करोड़ का सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ 13,000-14,000 करोड़ का बाइंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी 14,000 करोड़ की सेलिंग की है, तो 11,800 करोड़ की बाइंग भी की है। तो ये बाई भी हो रहा है साथ के साथ, और यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं। तो जो उन्होंने पास्ट में पोजीशन बनाया, तो बट ऑब्वियस है आप भी अगर पोजीशन बनाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आप भी करते हैं, अगर आपके पास अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट होता है। तो ये एक नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है। और जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में चार्ट पे समझाया था कि क्योंकि ये वेव फोर्थ का फॉर्मेशन है, इस वजह से यहाँ पे फॉल हमें थोड़ा फास्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम फ्यूचर मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डेटा अपडेट नहीं हुआ NSE की साइट पे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं डाला। बट अगर जैसे अपडेट होगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे इसको शेयर जरूर करूंगा। चलिए अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर मान लीजिए इसके नीचे ट्रेड करता है 24,073, तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन था, यहाँ पे वीकली कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा, एक रेड कैंडल बना, 2 हफ्ता यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बना, इसके बाद हमें फॉलो अप सेलिंग देखने को मिला। तो कुछ ऐसा ही प्राइस एक्शन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड था, 2 हफ्ता हॉल्ट किया, अगर इसके नीचे ये क्लोज देना स्टार्ट करेगा तो फिर हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। तो हमें यह ऑब्जर्व करना कि 24,075 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर क्लोजिंग आती है तो फिर हमें यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट अच्छा सपोर्ट का काम किया, मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से इमीडिएट हमें एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला, और वापस से इसी लेवल को रीटेस्ट करके ये बाउंस करता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और मैंने आपको बताया मैं जनरली फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैंने निफ्टी बीज बाई की हुई है और मैंने स्टॉप लॉस इसी स्विंग लो का रखा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिप मिलता है 24,075 तक का, यहाँ पे पोजीशन बना के चल सकते हैं, स्टॉप लॉस इसी स्विंग लो का रहेगा। इसके बाद आगे हम यहाँ पे 24,500 के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके हमें सेलिंग देखने को मिला है। तो यहाँ आने के बाद शायद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट जो फ्रेश लॉन्ग का पोजीशन बनेगा ये ब्रेकआउट होने के बाद ही यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, और देन आफ्टर हमें एक फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा। तो ये निफ्टी पे व्यू रहा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, बट ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि एक ट्रिपल करेक्शन, मतलब कि आप बोल सकते हैं उस टाइप का नेचर यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा बनता हुआ, ये आपका वेव ABC, तो आपको सारे यहाँ पे मतलब ये मिला के हम एक कंसिडर करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो सारे यहाँ आपको तीन तीन के मूव बनते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है।
तो मैं इस वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ये 61.8% के ऊपर ट्रेड करता है तो ही मैं यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट करूंगा, या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, क्योंकि यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके सेलिंग देखने को मिला। इंटरेस्टिंग एक चीज काफी अच्छा है जो आप सीख सकते हैं, इन फ्यूचर आपको ये काफी काम आएगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिला, यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, सेलर्स यहाँ तक प्राइस को लेके आए। सेकंड टाइम हमें यहाँ वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिला, सेलर यहाँ तक लेके आए, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो लो और ऊपर को शिफ्ट हुआ। थर्ड टाइम हमें वापस यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो सेलर है वो इस पर थोड़ा और ऊपर ले आए। आपको एक चीज यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअसली जो लो है वो ऊपर को शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे फोर्थ टाइम यहाँ पे वापस से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, बट इस बार और भी ऊपर बायर्स एक्टिव हो गए, तो ये कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ये इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो काफी डिसेंट सा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को हम रडार पे रखेंगे। ब्रेकआउट आने के बाद अगर हमें पोजिशनली भी बाई करना है, हम कर सकते हैं स्टॉप लॉस 38% के नीचे का, मतलब इसी स्विंग लो का रख के हम बाई कर सकते हैं 61%, एक छोटा सा टारगेट होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे हमें 55,600 तक का टारगेट रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बाई हम तभी करेंगे जब ये 50% के ऊपर ये ब्रेकआउट आता है और ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तभी बैंक निफ्टी में लॉन्ग के साइड का पोजीशन बनाएंगे। बाकी यहाँ पे अब ऑप्शन राइट करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये लो कंटिन्यूअसली ऊपर को शिफ्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट हमें जल्दी देखने को मिल जाए, या फिर नीचे जब ये ब्रेकडाउन होगा, या फिर ये कोई स्विंग लो तोड़ता है, क्योंकि अभी तक जितने भी स्विंग लो बन रहे हैं वो सारे प्रोटेक्टेड है। तो अगर ये स्विंग लो तोड़ता है तो फिर हमें यहाँ पे नीचे में यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, प्राइस एक्शन को यहाँ पे फॉलो करके चलेंगे। स्टॉक्स की बात कर ले, बैंक ऑफ बड़ौदा चार्ट पे अच्छा लग रहा है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। मल्टीपल टाइम पहले यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करा था, मतलब एक अच्छा सपोर्ट था, ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने लगा। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके सेलिंग देखने को मिला, और प्राइस इसको वापस से ब्रेकआउट देने के बाद रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर मान लीजिए 258-260 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस से, अगर ये ट्रिगर हो जाता है तो हम इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, बिरला सॉफ्ट, ये चार्ट पे अच्छा लग रहा है, 38% का सपोर्ट लेके यहाँ, ये काफी अच्छा सपोर्ट का एरिया होता है 38%, प्लस यहाँ पे क्लस्टर भी है, मतलब 61.8% और 38% दोनों साथ में कंबाइन होके मिल रहे हैं, तो यहाँ से हमें बाउंस करता हुआ दिख रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो अगर मान लीजिए 576-77 के ऊपर, ये 577-78 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस इसी स्विंग लो का रखेंगे, और 1:2 के लिए इस ट्रेड को भी हम प्लान कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं यहाँ पे जो भी व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो स्टॉक में हो या फिर इंडेक्स में हो, आप मतलब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा के सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहा हूँ। मैं कोई टिप्स एडवाइस बाई सेल का होल्ड सेल या फिर कोई भी ये रेकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके इसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड प्लान करें। सॉरी, रिलायंस लिमिटेड की बात करें, सॉरी REC लिमिटेड की बात करें, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले भी शेयर किया हुआ कि मैं PSU स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश हूँ। ये आपका इलेक्शन रिजल्ट के टाइम से सारे PSU स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और मैंने कई बार टेलीग्राम पे भी शेयर किया कि मैं PSU में धीरे धीरे पोजीशन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे REC लिमिटेड की, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसली जो लो है ये ऊपर को शिफ्ट हो रहा है, प्लस अगर हम यहाँ पे देखें ये ब्रेक नहीं कर रहा है, कोई भी किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा, ये प्रोटेक्टेड है। तो अगर मान लीजिए ये 531-32 के ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे भी हम पोजीशन बना के चल सकते हैं। पोजिशनली इसको हम 641 रुपीज़ के लिए प्लान करेंगे, अगर इसके ऊपर ये क्लोज करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें 684 रुपीज़ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। चोला मंडलम फिनांस, ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप एलियड वेब सीख रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी होगा। यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को देखें, आपको देखने को मिलेगा ये वेव वन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वेव टू का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका वेव थ्री का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वेव फोर का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ वेव फिफ्थ के अंदर में आपको वन टू, ये आपका वेव थ्री, ये फोर, और यहाँ पे देन आफ्टर वेव फाइव बनता हुआ दिखेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वन टू, ये आपका वेव थ्री, ये फोर, और ये वेव फाइव, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा वेव फिफ्थ के अंदर में। तो टोटल अगर हम मूव काउंट करें तो आपको देखने को मिलेगा ये वन टू, ये थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपका पूरा सेवन एट और नाइन मूव बनता हुआ दिख रहा है।
तो इम्पल्स या तो 9 मूव बनाएगा या फिर 11 या तो 13 या 17, कुछ इस टाइप से ये पैटर्न बनता है। तो ये जो मूव था इसको हमने ए यहाँ पे कंसिडर किया, तो ये पहला सिग्नल है कि ये एक जिगजैग करेक्शन का नेचर है। मतलब कि अगर ये जिगजैग करेक्शन है, इट मीन्स कि हमें यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलेगा जो कि वेव बी का फॉर्मेशन करेगा, और वेव बी का फॉर्मेशन कहाँ तक हो सकता है? हो सकता है कि ये 23, 13, 22 तक करे, या फिर 38% पे ही ये करेक्शन ओवर कर दे, या फिर 50% तक आए, मतलब ये 61.8% को ब्रीच नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है टिल 1487, मतलब 1480 लगा के चलते यहाँ तक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग का अगर पोजीशन बनाते हैं तो इसी स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं, पहला टारगेट 1322, इसके ऊपर निकलता है तो फिर 1385, और इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर 1436 पे हम अपना पोजीशन ऑफलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे वेव बी का फॉर्मेशन होगा, देन आफ्टर हमें यहाँ पे वापस से वेव सी का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, मतलब एक नया लो पंच होने के चांसेस है। तो आई होप आप ये जो लॉजिक है जो मैं आपको वेव का यहाँ पे लॉजिक समझा रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा, और आप इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप ऐसे ही चार्ट को सर्च करेंगे और वहाँ पे आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न वहाँ पे बन रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले, उससे आप मार्केट से अपडेटेड रहेंगे। मैं क्योंकि कंटिन्यूअसली पोस्ट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। जय सियाराम।